हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ खूब सारे सब्जियों के साथ खिचड़ी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मूंग दाल ले लिया है, मसूर दाल, चना दाल, चावल, यहाँ पे है अदरक का पेस्ट, मीठा करेला, परवल, करी पत्ता, बीन्स, हरी मिर्ची, टमाटर, गाजर, प्याज, धनिया पत्ता, सोयाबीन, मूंगफली, आलू और कद्दू। तो चलिए पहले सारे सब्जी को काट लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे चीज़ों को अच्छे से काट लिया है। यहाँ पे मैंने दाल और चावल को मिक्स करके धुल लिया है। यहाँ पे मैं सोयाबीन की पानी निकाल लिया है। बीन्स को मैंने लंबा लंबा करके काट लिया है, परवल को गोल करके, और इसको भी मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ रखा है। तो यहाँ पर गाजर भी है, प्याज मैंने तड़के के लिए लिया है, मूंगफली को फ्राई करना है, आलू, कद्दू, टमाटर, हरी मिर्ची, करी पत्ता, धनिया पत्ता और यहाँ पे अदरक का पेस्ट है। तो चलिए अभी रेसिपी प्रोसेस में चलते हैं। तो मैं यहाँ पे राइस कुकर में खिचड़ी बनाऊँगी। आप बड़े वाले कढ़ाई में या फिर पतीला में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी ये दाल चावल पूरा ले लूँगी। ये देखिए मैंने राइस कुकर में चावल दाल ले लिया है। मैंने इस कटोरे में ये सब मिला के एक कटोरा मैंने डाला है। तो अभी इसी में जितना मैंने चावल डाल लिया है उससे डबल मैं पानी डाल दूँगी। तो मैंने अभी दाल चावल पे 3 बोल पानी डाल दिया है, इसको ऑन कर दिया है। देखिए खिचड़ी मोड पे मैंने ऑन कर दिया है। तो इसको बनने में 15 मिनट लगेगा, लेकिन मैं अभी क्या करूँगी, इसमें बॉयल आने दूँगी और इसके ऊपर से थोड़ा सा जो झाग निकलेगा उसका निकाल के उसके बाद मैं इसमें सब्जी ऐड करूँगी। तो जब तक हमारा चावल और दाल में बॉयल आता है, हम थोड़ा सा सोयाबीन को और मूंगफली को तेल में फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे तेल डाल दिया है, सरसों का तेल। आप चाहो तो सारे सब्जियों को भी फ्राई करके डाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही बॉयल होने के लिए डाल दूँगी। लास्ट में मैं तड़का लगा दूँगी। तो तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो गया है, अभी हम इसमें मूँगफली डाल देंगे। इसको चलाते हुए थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मूंगफली ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है। अब इसमें हम सोयाबीन भी डाल देंगे। सोयाबरी को भी हम 2 मिनट के लिए तेल के साथ उसको फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखें। तो सोयाबरी भी फ्राई हो गया, अभी हम इसको निकाल देंगे बोल में। ये देखिए दोनों फ्राई हो गया है। चावल में अभी भी बॉयल नहीं आया है, इसमें बॉयल आने का वेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को इसे लगा के रख दिया है, क्योंकि बॉयल आने के बाद हमें सब्जी ऐड करना है। ये देखिए दाल और चावल में बॉयल आ गया है और ये ऊपर में जो सफ़ेद सफ़ेद आया है इसको हम निकाल देंगे। इसको पूरा साफ करके हम निकाल के सब फेंक देंगे इसको। तो ये देखिए यहाँ पे चावल और दाल थोड़ा थोड़ा गलने लगा है। अभी हम इसमें सारे सब्जियों को डाल देंगे। तो पहले मैं इसमें कद्दू और आलू को डाल रही हूँ। तो अभी हम इसमें बीन्स, मीठा करेला और परवल को डाल देंगे। सारे सब्जियों को डालना है अभी, जितना भी आपने काट के रखा है आपको पसंद है। अभी हम इसमें गाजर डाल देंगे। अभी डालेंगे इसमें हरी मिर्ची और टमाटर।
सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसमें मसाला ऐड करके इसका लीड लगा देंगे। तो चलिए अब इसमें हम मसाला ऐड करते हैं। अभी हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे 2 चम्मच फूल करके नमक डाल रही हूँ, क्योंकि सब्जी भी है, दाल चावल भी है, सारी चीज़ों में नमक लगती है। दो चम्मच हल्दी यूज़ करूँगी मैं, फिर 2 चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच जीरा पाउडर, अभी डालेंगे मिर्च पाउडर, डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और अभी हम इसमें डालेंगे सोया भरी और मूंगफली जो हमने फ्राई करके पहले रखा था। तो ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बीच में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। और इसका लीड लगा देंगे। तो यहाँ पे सील किया हुआ है, तो यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है 15 मिनट में हमारा खिचड़ी बन जाएगा। चलिए 15 मिनट वेट करते हैं। तो यहाँ देखिए राइस कुकर का टाइमर बंद हो गया है, रेडी हो गया हमारी खिचड़ी। इसकी अभी प्रेशर रिलीज होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। मैंने यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए रख दिया है राइस कुकर को, इधर तड़के के लिए मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो गया है तो मैं गैस को भी मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। तड़के के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 फूरन, कटे हुए प्याज, प्याज मैंने डाल दिया है, तो इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच के करीब मैंने अदरक का पेस्ट ले लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, तड़का रेडी हो गया है। अभी गैस को बंद कर देते हैं। चलिए राइस कुकर के लीड को खोल कर देखते हैं। तो देखिए खिचड़ी हमारी रेडी है। इसमें भी हम धनिया पत्ता डाल देंगे। और इसमें 1 चम्मच चीनी हम डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अभी हम ऊपर से इसमें तड़का डाल देंगे। चलिए मैं इसको भी मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि एक हाथ से नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी इसकी प्लेटिंग करते हैं। मैंने खिचड़ी को थाली में निकाल लिया है, ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के रेडी हो गई हमारी खिचड़ी। तो मैं खिचड़ी का साथ यहाँ पे अचार सर्व कर रही हूँ। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
कमेंट में बताएं कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।